की चेकिंग, स्वयं के रिस्पॉन्सेस की चेकिंग, एक मिनट अगर पूरा कल का ही, सिर्फ टुमॉरो यस्टरडे, कल का ही अपना देखो, जो भी रिस्पॉन्स मैंने दिए सबको, फोन के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा और शब्दों के द्वारा, सारे एक्यूरेट रहे? 10 सेकेंड एकदम डीप इनसाइड देखो, देखिए अपने रिस्पॉन्स को, हर चाहे वो भावना है, कुछ भी फील भी किया किसी के लिए, ओके, क्या लगता है एक्यूरेट था? सारे एक्यूरेट थे रिस्पॉन्सेस? श्रीमत क्या सर, मतलब कहीं ना कहीं मुझे कुछ मेरे अपने ही रिस्पॉन्स, कुछ संकल्प, तो मुझे मुझे यही लगा कि नहीं, ठीक नहीं है, ये संकल्प आने ही नहीं चाहिए, ये भावना होनी ही नहीं चाहिए, मतलब मेरी हमारी मनन शक्ति ही अभी ठीक नहीं है, कंप्लीट स्वयं पर अटेंशन, स्वयं की चेकिंग। तो बहुत गहरी ये फीलिंग है कि हर रिस्पॉन्स, इतना सा भी ये तो नहीं मानने वाला है, ये तो ऐसा है, या मतलब बहुत कुछ है शब्दों में, इंस्टेंट मैंने रिस्पॉन्स किया, जैसे ही कुछ पता चला कुछ इंस्टेंट रिस्पॉन्स किया, इंस्टेंट ये हुआ, सारे रिस्पॉन्सेस हमारे ये सब दे अभिमान के रिस्पॉन्स होंगे। तो आज फिर डीप इनसाइड वो चेक करो, मगन स्टेज तो आगे की बात है, लेकिन मनन स्टेज की करो। तो ये डीप चेकिंग, कुछ भी किया, मुझे क्या फील हुआ, ये ठीक था? उसने क्रोध से बात की, मुझे क्या फील हुआ? उसने ऐसे बोल दिया, मुझे क्या फील हुआ? तो ऐसे चेक बाबा क्या करता था, मोहिनी बहन हमेशा बताती है कि बाबा के हर कर्म से पता चलता था कि बाबा स्वयं की कंप्लीट चेकिंग कर रहे हैं, बात करते हुए, देखते हुए, सब कुछ करते हुए लग रहा था कि बाबा अपनी चेकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे स्वयं की चेकिंग पर, अपने रिस्पॉन्सेस के ऊपर पूरा फोकस मुझे, तो क्या होगा, हमको किसी की कोई भी बात बुरी लगेगी नहीं। वही जो था ना, बुरा जो देखन में चला, वो एक्चुअली इसके पीछे के गहराई वो है, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, मुझसे बुरा न कोई, मतलब इतनी ब्यूटी इस फीलिंग में ही इतना मजा है, और इतना आत्मा बिजी रह सकती है, व्यर्थ संकल्प तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो फिर हम दूसरे के प्रति शुभ भावना कर सकते हैं, स्वयं की चेकिंग नहीं होगी ना तो हम शुभ भावना सकाश नहीं दे सकते। तो ये डीप गहराई से ईच एंड एवरी 12 बजे तक देखो, कोई रिस्पॉन्स में ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए 10-10 मिनट का जो अभ्यास है बीच बीच में, तुरंत आत्मिक स्थिति पे आ जाए, जैसे ही फ्री हो तुरंत आत्मिक स्थिति पे आ जाए, 1 सेकंड तो तुरंत वो याद आ जाता है, शांति में होते ही ना कुछ जो भूली हुई बातें वो याद आ जाते हैं, ये कारण है हमने एक दूसरे मोबाइल में सारे टाइमर लगा दिए, एक मोबाइल में तो जो है दूसरे में टाइमर लगा दी, ये पुरुषार्थ करते हैं। तो क्या होता है, हो सकता है उस समय याद नहीं है, लेकिन वो टाइमर हो रहा है तो मतलब इमीडिएटली आत्मा की याद आ जाती है। कुछ पुरुषार्थ करो स्वयं के लिए, ठीक है? तो ये आज वापस कंटिन्यू करेंगे, आज और कल इससे ज्यादा सक्सेस रहेगा, पूरा आज के पूरे दिन का सेटिस्फेक्शन हो मुझे कि यस, आज मेरे तरफ से एक भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं हुआ, कोई भी आत्मा मेरे से असंतुष्ट नहीं हुई, ये करना है आज का पुरुषार्थ, और बाकी 10-10 मिनट वाला तो करना ही है। आत्मा परमात्मा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे,
तो आज का ये पुरुषार्थ करेंगे और